गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एलिवेटिंग माइंड्स आज की इस वीडियो में हम कार्डियोथोरेसिक सर्जरी का एक ब्रीफ़ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर कार्डियोथोरेसिक सर्जरीज क्या होती हैं कितने टाइप्स की होती हैं मेनली सो so, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी किससे रिलेटेड होती है कार्डियो यानी हार्ट से रिलेटेड थोरेसिक यानी चेस्ट से रिलेटेड सो so, कार्डियोथोरेसिक सर्जरीज वो सर्जरीज होती हैं जो सर्जरी कहाँ परफॉर्म की जाती हैं हार्ट पर या फिर चेस्ट पर ये जो सर्जरीज़ हैं ये काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन की सर्जरी होती हैं देन इनमें ज़्यादा रिस्क प्रेजेंट होता है पेशेंट को ये काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव सर्जरीज़ होती हैं कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज होती हैं इन कंपैरिज़न टू अदर जनरल सर्जरीज सो कार्डियक सर्जरी वो सर्जरीज़ हैं जो हार्ट से रिलेटेड जो हार्ट पर परफॉर्म की जाती हैं मेनली ये तीन टाइप की होती हैं ओपन हार्ट सर्जरी क्लोज हार्ट सर्जरी मिनिमली इन्वेजिव हार्ट सर्जरी ओपन हार्ट सर्जरी का मतलब ये है चेस्ट को मिड से ओपन करके तब हार्ट पर सर्जरी परफॉर्म की जाती है इसलिए उसे ओपन हार्ट सर्जरी बोला गया है क्लोज्ड हार्ट सर्जरी वो हार्ट सर्जरी होती है जिसमें चेस्ट को मिड से कम्प्लीटली ओपन नहीं किया जाता स्मॉल इंसीजन की मदद से हार्ट को मैनिपुलेट किया जाता है देन मिनिमली इन्वेजिव हार्ट सर्जरी वो सर्जरी होती है जिसमें मल्टीपल इंसीजन की मदद से मिनिमल इन्वेजन के साथ हार्ट की सर्जरी परफॉर्म की जाती है सो so, देख लेते हैं हार्ट की एक ब्रीफ अनैटमी सो ये एक ह्यूमन हार्ट का डाइसेक्शन है ये सुपीरियर वीना केवा है दिस इज इंफीरियर वेना केवा दिस इज राइट एट्रियम दिस इज राइट वेंट्रिकल दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज़ लेफ्ट एट्रियम ये पल्मोनरी वेन होती है तो बेसिकली जो ब्लड का सर्कुलेशन चलता है वो किस तरह चलता है सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा बॉडी से इम्प्योर ब्लड को लेकर आती है राइट right एट्रियम में राइट right एट्रियम में जब प्रेशर इंक्रीज हो जाता है उससे जो ब्लड है वो लोअर चैम्बर में आ जाता है ट्राई कस्पिड वाल्व के ओपन होने के बाद एंड यहाँ से ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाता है प्योरीफिकेशन के लिए उसके बाद जो लंग्स ने ब्लड प्योरीफाई कर दिया है पल्मोनरी वेन के थ्रू वो कहाँ पहुँचता है लेफ्ट एट्रियम में पहुँचता है जब यहाँ प्रेशर बढ़ जाता है मिट्रल वाल्व खुलती है उससे ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है देन लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड ऑर्टा के थ्रू बॉडी को सप्लाई हो जाता है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सो so, देख लेते हैं आखिर क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें हार्ट पर सर्जरी परफॉर्म करने की इंडिकेशंस। फॉर रीवास्कुलराइजेशन अगर किसी भी रीज़न से हार्ट की खुद की जो मसल है हार्ट की खुद की जो लेयर है उनमें ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो रहा दैट मीन्स हार्ट अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएगा सो जहाँ वास्क्यूलराइजेशन इम्प्रॉपर है उसको ठीक करने के लिए हम हार्ट सर्जरी परफॉर्म करते हैं सो so, जहाँ का वास्कुलराइजेशन डिस्टर्ब हो चुका है उसको रिस्टोर करेंगे रीवास्कुलराइज करेंगे हम नेक्स्ट कंजनाइटल हार्ट डिफेक्ट को ठीक करने के लिए जैसे बच्चों में क्या होता है सेप्टल डिफेक्ट होता है जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में दिल में छेद भी कहते हैं उसमें होता क्या है जो चैम्बर के बीच में ओपनिंग प्रेजेंट होती है बिफोर बर्थ वो बर्थ के बाद भी बंद नहीं होती जिससे ब्लड की मिक्सिंग होती है सो so उसको करेक्ट करने के लिए उसको बंद करने के लिए भी हम हार्ट सर्जरी परफॉर्म करते हैं वेल्वुलर डिज़र्डर हार्ट की जो चार वाल्व होती हैं अगर उनमें नैरोइंग हो गई है वो प्रॉपरली ओपन नहीं हो पा रही हैं फाइब्रोज हो गई हैं सो so उन वाल्व को रिप्लेस करने के लिए या रिपेयर करने के लिए भी हम हार्ट सर्जरी परफॉर्म करते हैं नेक्स्ट है कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ हार्ट की लेयर को जो ब्लड सप्लाई पहुंचाती हैं वो कॉरोनरी आर्टरी होती हैं अगर उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण यानी कि प्लाक जमने के कारण आगे ब्लड का फ्लो ठीक से नहीं हो पा रहा उस कंडीशन को हम कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं सो उस प्लाक को रिवा से रिमूव करने के लिए भी हम हार्ट सर्जरी परफॉर्म करते हैं नेक्स्ट एरिदमिया अगर हार्ट का रिदम एबनॉर्मल है टेकी कार्डिया है या फिर ब्रेडी कार्डिया है सो so उस रीज़न से भी हम क्या करते हैं हार्ट सर्जरी परफॉर्म करते हैं देन इसके अलावा इसके अलावा और किस रीज़न से हम हार्ट सर्जरी परफॉर्म करते हैं एन्यूरिज्म रिपेयर के लिए एन्यूरिज्म क्या होता है ब्लड वेसल्स के अंदर जहाँ वॉल कमज़ोर हो जाती है वहाँ पाउच फॉर्मेशन हो जाती है और ये एन्यूरिज्म हाई बीपी के कारण या वॉल लेयर कम कमज़ोर होने के कारण डप्चर हो सकते हैं सो ऐसे एन्यूरिज्म के रिपेयर के लिए भी हम हार्ट सर्जरी परफॉर्म करते हैं इसके अलावा हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए यानी जिस पर्सन का हार्ट फंक्शन के नाम पर बिल्कुल ज़ीरो फंक्शनिंग कर रहा है और नियर टू ज़ीरो ऐसे केसेस में हार्ट को ट्रांसप्लांट करने के लिए भी हम हार्ट सर्जरीज परफॉर्म करते हैं कार्डियक ट्यूमर को रिमूव करने के लिए भी हम हार्ट सर्जरी को परफॉर्म करते हैं सो बेसिकली कार्डियक ट्यूमर होते क्या हैं हार्ट की ही जो लेयर होती है वो क्या हो जाती है एबनॉर्मल हो जाती है और अपनी उसमें ओवर ग्रोथ होने लगती है जिस रीज़न से क्या होता है अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाती है सो so, अगर जो हार्ट का ट्यूमर है वो अंदर डेवलप हुआ है उसको हम प्राइमरी ट्यूमर बोलेंगे और अगर किसी और बॉडी के ऑर्गन के साथ ट्यूमर बनने स्टार्ट हुआ था जो स्प्रेड होकर हार्ट तक पहुंचा है उसे हम सेकेंडरी ट्यूमर कहेंगे तो सबसे कॉमन जो कार्डियक ट्यूमर होता है उसका नाम होता है मिक्सोमा ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है इसके अलावा और भी बहुत से ट्यूमर होते हैं फाइब्रो इलेस्टोमा होता है सो यहाँ पर हमें कॉमन नाम याद रखना है वो है मिक्सोमा अगला देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कार्डिय सर्जरी तो आखिर कार्डियक सर्जरी कितने टाइप की होती है हमने ब्रीफली पहले भी डिस्कस करी है ओपन हार्ट सर्जरी देन मिनिमली इन्वेजिव हार्ट सर्जरी जिसमें मिनिमम इन्वेजन होगा मॉडर्न बीटिंग हार्ट सर्जरी इसे हम आगे देखेंगे नेक्स्ट सी ए बी जी कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग देन हार्ट ट्रांसप्लांट सो ये सारी कार्डियक सर्जरीज सबसे ज़्यादा परफॉर्म की जाती हैं अब वन बाय वन देख लेते हैं सबसे पहले है ओपन हार्ट सर्जरी सो ओपन हार्ट सर्जरी में होता क्या है चेस्ट की जो मिडल मिड लाइन होती यानी जहाँ स्टर्नम होता है वहाँ एक बड़ा सा इंसीजन लगाया जाता है चेस्ट को ओपन किया जाता है रिब केज को ओपन किया जाता है सर्जरी हार्ट पर परफॉर्म की जाती है हार्ट बीट को रोक करके और पेशेंट को सी पर डालकर कार्डियोपल्मोनरी बाईपास पर डालकर यानी कि जितनी देर तक हार्ट पर सर्जरी चलेगी उतनी देर के लिए हार्ट का जो काम होता है वो हार्ट लंग मशीन के ज़रिए करवाया जाएगा सो so, यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं ये बीच में से चेस्ट को रिपकेज को ओपन किया गया है देन ये एक सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर को अप्लाई किया गया है और हार्ट के ऊपर सर्जरी परफॉर्म की गई है सो so नेक्स्ट है मॉडर्न बीटिंग हार्ट सर्जरी ये देखा गया है जिस प्रोसीजर में हम हार्ट की बीटिंग कम्प्लीटली स्टॉप कर देते हैं उसमें कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा देखी गई हैं तो इसीलिए अब न्यू मोडलिटीज़ हैं वो यूज़ होती हैं जिनमें से एक है मॉडर्न बीटिंग हार्ट सर्जरी यानी नाम से ही पता चल रहा है इसमें हम क्या करेंगे इसको हम ऑफ पंप कॉरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी भी कह सकते हैं जिसमें सर्जरी बीटिंग हार्ट पर परफॉर्म की जाएगी यानी इस प्रोसीजर में सीपीबी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा हार्ट लंग मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा देन इस प्रोसीजर के अंदर हार्ट बीट को बहुत स्लो कर दिया जाता है या फिर एक डिवाइस के ज़रिए हार्ट को स्टेबलाइज़ कर दिया जाता है ताकि वो ज़्यादा मूव ना करे एंड उस पर प्रोसीजर करा जा सके देन इस प्रोसीजर को यूज़ करके हम कुछ ही ऑपरेशन कर सकते हैं हार्ट की पोजीशन को अचीव करने के लिए हम एक हार्ट स्टेबलाइजिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं और एक टिश्यू स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करते हैं यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं ये एक सेल्फ़ रिटेनिंग रिट्रैक्टर लगाया हुआ है ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं ये हार्ट स्टेबिलाइज़र डिवाइस है यानी ये डिवाइस क्या करेगी हार्ट को एक पर्टिकुलर पोजीशन में रखेगी ताकि वो कम मूव करे देन ये यहाँ पर जो क्लिप नुमा आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं दिस सॉरी यहाँ जो आप क्लिप नुमा इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं टिश्यू स्टेबलाइज़र है यानी यहाँ सर्जरी परफॉर्म की जानी है तो ये क्लिप्स हम यहाँ अप्लाई करेंगे ताकि यहाँ का जो हार्ट का स्टेबलाइजेशन है वो और अच्छे से हो सके यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से ये यह यहाँ पर टिश्यू स्टेबलाइज़र यूज़ किया गया है और ये हार्ट स्टेबलाइजेशन डिवाइस यूज़ की गई है और यहाँ पर ये यह बाईपास ग्राफ्ट लगाया गया है नेक्स्ट देख लेते हैं सी ए बी जी कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सी ए बी जी क्या होता है इसमें हम कॉरोनरी हार्ट डिजीज को ट्रीट करते हैं इसमें हम जो सिकुड़ चुकी हैं या जिनमें ब्लॉकेज आ चुकी हैं मेजर आर्टरीज के अंदर उनका ब्लड फ्लो इम्प्रूव किया जाता है ताकि हार्ट की लेयर को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई मिल सके इसमें हम क्या करते हैं बाईपास ग्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है यानी बॉडी के किसी और पार्ट से एक वेन का पीस लेकर के सेक्शन लेकर के हार्ट की जो ब्लॉकेज आर्टरी है वहाँ उसके नीचे से लेकर के किसी और फंक्शनल आर्टरी तक उसको जोड़ दिया जाता है ताकि एक अल्टरनेट क्या मिल सके हमें रूट मिल सके ब्लड सप्लाई का इसको हम सिंपल तरीके से समझें अगर मान लीजिए कोई रोड ब्लॉक हो रखी है एंड वहाँ से जाना पॉसिबल नहीं है तो रूट को डाइवर्ट कर दिया जाता है यानी ऑल्टरनेटिव रूट दे दिया जाता है जिससे ट्रैफ़िक भी चलता रहे और उतने टाइम के लिए उस रोड को रिपेयर भी किया जा सके ये जो नई ब्लड वेसल यूज़ की जाती है इसे ग्राफ्ट कहा जाता है ग्राफ्ट का नंबर डिपेंड करेगा कितनी कोरिरी आर्टरीज में प्रॉब्लम है नेक्स्ट देख लेते हैं सो so, यहाँ पर ये दिखाया गया है पहले क्या था यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लॉकेज थी ये प्लाक जमा हुआ है यहाँ पर जिससे ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा अब हमने ग्राफ्ट करके क्या कर दिया है ये हमने ग्राफ्ट लिया है जिसमें यहाँ पर ब्लॉकेज थी तो हमने इसके नीचे जो फंक्शनल एरिया था वहाँ पे इस ग्राफ्ट को ग्राफ्ट का एक एंड जोड़कर दूसरे एंड को सीधा ऑर्टा में जोड़ दिया है ताकि ब्लड सप्लाई चलती रहे और वहाँ जिस हार्ट के मान लो इस लेयर को इस एरिया को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही थी अब वो ऑल्टरनेटिव रूट के थ्रू इस एरिया को ब्लड सप्लाई मिल जाएगी देन मिनिमली इन्वेजिव हार्ट सर्जरी नाम से ही पता चल रहा है इसमें कम से कम हम इन्वेट करेंगे चेस्ट को इसमें बहुत ही छोटे और कम ट्रोमेटिक इंसीज़न दिए जाते हैं जो एक ट्रेडिशनल स्टर्नोटमी होती है उसके कंपैरिजन में ये जो इंसीज़न हैं तीन से चार इंच बड़े होते हैं जबकि एक ट्रेडिशनल स्टर्नोटमी में ओपन हार्ट सर्जरी में आठ से दस इंच बड़े इंसीज़न लगाए जाते हैं कुछ स्पेशल हैंड हेल्ड इंस्ट्रूमेंट की मदद से या रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट की मदद से सर्जरी परफॉर्म की जाती है सो so, यहाँ आप देख सकते हैं जो ओपन हार्ट ट्रेडिशनल इंसीज़न होता है स्टर्नोटमी होती है वहाँ पर कितना बड़ा इंसीज़न लगाया जाता है जबकि मिनिमली इन्विजन सर्जरी में बिना बोन्स को टच किए जो ये रिप्स के बीच का स्पेस है यहाँ पर इंसीज़न लगा कर सर्जरी परफॉर्म की जा गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैंड हेल्ड इंस्ट्रूमेंट है इनकी मदद से रोबोट की मदद से हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं ये इंसीज़न दिखाए गए हैं इस पिक्चर में अलग अलग यहाँ पर ये एक ट्रेडिशनल स्टर्नोटमी का इंसीज़न है ये मिनिमल इन्विजन का है ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं अगर हम वीडियोस्कोपिक असिस्टेड सर्जरी कर रहे हैं तो उसमें जो इंसीज़न होगा हम राइट right साइड में लगाएंगे यहाँ से वीडियोस्कोप इंसर्ट करके इस साइड से हम क्या करेंगे अपने इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट करेंगे और सर्जरी परफॉर्म करेंगे जैसा कि लेप्रोस्कोपी में किया जाता है सो थैंक यू सो मच आपको इस वीडियो से कार्डियक सर्जरी के रिगार्डिंग थोड़ी नॉलेज तो मिली होगी अगली वीडियो में हम सी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे Thank you for listening and please subscribe our channel.